शाम के 6:05 हो रहे हैं और आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू हो रहा है। एक्चुअली सुबह से हमको बहुत ज्यादा लो फील हो रहा था, ब्लॉग करने का मन ही नहीं किया। और पता है इसका रीजन क्या है? आज है 22 तारीख और मेरे अकाउंट में पैसा हो गया बिल्कुल खत्म। 200 रुपए सिर्फ बचा है जो कि मिनिमम बैलेंस है बस। हालांकि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको पता हो कि मंथ एंड में थोड़ा पैसा कमी रहता है, पैसा खत्म हो जाता है। इस बार ना इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने मुझे बहुत अच्छा धोखा दिया। पूरा बजट पैसा का तैसा हो गया। पहले ही सैलरी बहुत कम आया था, लीव की वजह से बहुत सारा पैसा उधर कट गया। उसके बाद क्रेडिट कार्ड का बिल भी देना पड़ा बहुत ज्यादा, तो इसीलिए पहले से ही बजट पूरा गड़बड़ था। लेकिन एक उम्मीद था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थोड़ा सा हेल्प कर देगा तो शायद मेरा काम हो जाएगा। एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या प्रॉब्लम हुआ ना, अभी तुमको पूरा डिटेल में समझाते हैं। थोड़ा जल्दी आगे रहने के लिए ना, इसीलिए थोड़ा उजाला ज्यादा है, ठीक है ना? ज्यादा नहीं दौड़ना आज, वैसे बारिश भी हुआ है तो ग्राउंड थोड़ा सा नम हो गया, ठीक है? रोड में दौड़ना पड़ेगा हमको, ठीक है? दौड़ने के बाद मिलते हैं। आज है ना मिट्टी बहुत ज़्यादा गीला हो गया, इसीलिए ज़्यादा यहाँ पर एक्सरसाइज कर नहीं सकते हैं। बच्चा कुछ वर्कआउट जाना घर में करेंगे जाके, ठीक है? कभी कभी लगता है ना ये सब कुछ मोह माया है। इस नश्वर शरीर को कितना सजाए संवारे यार, जैसा चल रहा है चलने दो, जीवन का आनंद लो, सुख को भोगो। लेकिन फिर ख्याल आता है कि जिंदगी जो है ना वो चलते रहने का काम है। अगर तुम जिंदगी में कहीं ठहर गए तो वहीं पे तुम्हारी मौत हो गई। हाँ, तुम्हारी सांसें भले ही चल रही है, तुम्हारा सोशल लाइफ भले ही चल रहा है, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में ठहराव आ गया, तुमको ये लगने लग गया कि तुमने जो जिंदगी में अचीव कर लिया वो एनफ है तुम्हारे जीवन काटने के लिए, तो समझ लो कि तुम्हारा मौत स्टार्ट हो गया। अभी ना तुम लोग को हम बता रहे थे कि कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया। देखो, जैसे ही मेरी सैलरी क्रेडिट होती है ना, मैं महीने के पहले दिन अपने पूरे महीने का फाइनेंशियल प्लान को सेट कर लेता हूँ कि हमको इतना इतना पैसा यहाँ यहाँ खर्चा करना है। इस बार क्या हुआ ना, मैंने जुलाई एंड में ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया था, तो वहां से हमको 10,000 रुपये रिफंड मिलना था। हमने सोचा कि मैक्स टू मैक्स एक महीने में वो रिफंड आ जाएगा। पूरे अगस्त के महीने तक नहीं आया, हमने सोचा ठीक है 2-4 दिन और लगेगा, सितंबर में एटलीस्ट आ जाएगा। इसीलिए हमने ऐसा प्लान करके सोचा था कि वो जो 10,000 रुपये जब आएगा तो वो भी मेरा बजट का एक हिस्सा हो जाएगा, उसको भी मैंने बजट में ही इंक्लूड किया था। अब क्या हुआ है ना, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मेरा पैसा वापस नहीं आया। मैंने ITR के वेबसाइट में दिए गए फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट भी किया तो उन्होंने बोला कि सर अभी ITR 2.0 हमने नया लाया है ना, तो उसी सारा डाटा माइग्रेशन का काम चल रहा है, इसीलिए सब प्रोसेस में थोड़ा लेट हो जा रहा है। पता है इंडिया में जितने भी लोग कुर्सी में बैठे हुए हैं ना, उनकी नजर में बाकी सारे लोग वैसे ही वेल्ले घूम रहे हैं। तुम हर क्षेत्र में जाके देख लो, तुम रेलवे स्टेशन में देख लो, बिना मतलब का ट्रेन लेट कर देंगे, कोई सवाल नहीं कोई जवाब नहीं, मेंटेनेंस प्रॉब्लम है, ये है वो है, 3-5 बोल के तुमको टरका देंगे। 10,000 रुपये का रिफंड आने में मेरा 2 महीना लग गया। और बहाना क्या है कि हम लोग अभी नया सिस्टम में आए हुए हैं सर, सारा डाटा माइग्रेशन हो रहा है। अरे जब पुराना सिस्टम में थे लोग तो एक दिन में रिफंड आ जा रहा था, अभी तुमने ऐसा क्या नया सिस्टम ला दिया भाई कि 2 महीने तक तुम्हारा रिफंड ही कंप्लीट नहीं हो रहा। और बड़ी आसानी से ये लोग बोल देंगे कि सर डाटा माइग्रेशन हो रहा है, डाटा माइग्रेशन हो रहा है। अरे तो हम क्या करें तुम्हारे डाटा माइग्रेशन का? बहुत सारे भाइयों को इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में पता नहीं होगा, तो हम थोड़ा सा तुम लोग को बता देते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिया का हर सिटीजन गवर्नमेंट को ये बताता है कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारा यहाँ 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 के सोर्सेज से इतना इतना इनकम हुआ और हम लोग यहाँ 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 सेविंग किए, और यही इनकम और सेविंग को कैलकुलेट करके सिस्टम आपको बता देगा कि आपको कितना इनकम टैक्स देना है। अब जो भी बंदे सैलरीड एम्प्लॉय है ना, तो उनका जो टैक्स होता है उनका एम्प्लॉयर पहले ही काट लेता है, उसके बाद उसको उनका सैलरी मिलता है, और इस सिस्टम को बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
अब ऐसे केस में आप जब अपना ITR फाइल करेंगे तो सिस्टम को आप बता देंगे कि मेरा इतना इनकम हुआ, हम यहाँ यहाँ सेविंग किए, तो सिस्टम एक टैक्स कैलकुलेट करेगा और ऑलरेडी आपका एम्प्लॉयर आपका इनकम टैक्स काट लिया है। सपोज करो कि सिस्टम ने आपका टैक्स कैलकुलेट करके बता दिया कि आपको 10,000 रुपया टैक्स देना है, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर है आपके अकाउंट से 12,000 रुपया काट लिया, तो ये जो 2,000 का डिफरेंस है ना, ये आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है ना। और यही मेरे केस में हुआ, मेरा 10,000 का रिफंड बनता था जो कि अभी तक नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से तुम लोग ITR का पूरा फंडा समझ गए होगे। खैर दोस्तों, आज के ज्ञानवर्धक ब्लॉग में रखते हैं बस इतना ही, बाकी आगे तो तुम लोग को पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ मोह माया है। अगर जिंदगी आगे रहा तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।